तो फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल इंडियन होस्ट पर। सो गाइज, आज हम बात करने वाले हैं व्हाट्सएप के बारे में। व्हाट्सएप के बारे में हम ये बात करेंगे कि आपने देखा होगा नॉर्मली जब भी आपको कोई वीडियो या फोटो भेजता है तो वो ऑटोमेटिकली डाउनलोड हो जाता है और आपकी गैलरी में सेव हो जाता है, और आपकी गैलरी यानी कि आपके जो फ़ोन का स्टोरेज होता है वो हो जाता है फुल, ठीक है ना। तो आपको हो जाती परेशानी, फिर आपको उसको डिलीट करना पड़ता है। इसलिए मैं आपको आज बताने वाला हूँ ऐसा ऐसी ट्रिक जिसके थ्रू आप को जब भी कोई वीडियो या फोटो भेजेगा तो वो आपके फ़ोन में या कहीं पे भी डाउनलोड होके सेव नहीं होगा। तो एक बार फिर से मैं रिपीट करना चाहूँगा, आपको जब कोई भेजता है कोई भी वीडियो या फोटो जब भी कोई सेंड करता है तो वो ऑटोमेटिकली डाउनलोड होके आपकी गैलरी में सेव हो जाता है, जिससे आपके फ़ोन की मेमोरी जो है वो फुल हो जाती है। तो आज की वीडियो में हम यही बात करेंगे। तो वीडियो को हम करते हैं शुरू, और सबसे पहले आपको व्हाट्सएप ऑन करना है। व्हाट्सएप आप इस तरीके से अपना ऑन करेंगे, उसके बाद आप जो ये थ्री डॉट देखना है इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद सेटिंग पर क्लिक करेंगे। सेटिंग पर क्लिक करने के बाद आपको फोर्थ ऑप्शन जो दिख रहा है नीचे, डेटा एंड यूसेज, तो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, मीडिया ऑटो डाउनलोड, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या लिखा है, व्हेन यूजिंग मोबाइल डेटा, जब भी आप मोबाइल डेटा यूज़ करेंगे तो आपके जैसे भी फ़ोटो पे करा तो फोटो मेरे फ़ोन में ऑटोमेटिकली डाउनलोड हो जाते हैं, ठीक है ना। तो मैं इस पर अभी टिक हटा दूँगा। जैसे मान लीजिए आपके पे ये सब टिक करा हुआ है, ठीक है ना, तो ये सब टिक करा हुआ है, और अगर आप ये टिक करा हुआ है तो आपके फ़ोन, जाहिर सी बात है जब कोई आपको कुछ भी भेजेगा तो आपके फ़ोन में ऑटोमेटिकली डाउनलोड हो जाएगा। तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसमें हम इसको अनटिक कर देंगे, इसके बाद हम इसको ओके कर देंगे, ठीक है ना। उसके बाद वैन कनेक्टेड वाईफाई, अगर आप चाहते हैं कि जब आप वाईफाई कनेक्ट करें तब भी आपके फ़ोन में कुछ ऐसा वैसा डाउनलोड ना हो तो आप क्या करेंगे, आप ये करेंगे कि आप फोटो, ये जो टिक लगे हुए ना, टिक वाले मार्क जो है वो आप इसको हटा देंगे यहाँ से, इस तरीके से, ठीक है। यहाँ से ऑडियो वीडियो डॉक्यूमेंट्स और फोटोज़ पे से टिक लगे हुए हैं, इसको आपको हटाने के बाद ओके कर देना है। इसके बाद क्या होगा, ओके, अगर आप रोमिंग में यूज़ कर रहे हैं तब भी ये ऑप्शन शो होता है। अगर इस पर टिक ऐसे करके टिक लगा हुआ है तो आपको ये टिक सारे हटा देना है, ठीक है। इसके बाद इसको ओके कर देना है। इसके बाद जब भी आपको कोई भी कुछ भी सेंड करेगा, फोटो वीडियो या पीडीएफ फाइल या जो भी कुछ भी सेंड करेगा, तो होगा क्या कि आपके फ़ोन में जो है वो ऑटोमेटिकली डाउनलोड नहीं होगा। ऑटोमेटिकली डाउनलोड होने से ये होता है कि आपके फ़ोन की मेमोरी भर जाती है और आप उसको डिलीट करने में लग जाते हैं आपके फ़ोन मेमोरी को बचाने के लिए, ठीक है ना। तो ये एक ऑप्शन था जो मुझे आपको बताना था, तो ये आप कर लीजिएगा, इससे आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगी अपने फ़ोन के स्टोरेज को मैनेज करने में। तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच गाइस टू वॉचिंग इंडियन होस्ट। थैंक यू वेरी मच।